को मिलाने वाले पुल के मकाम पर दरियाए सिंध में 3 लाख क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है, जिससे निशेबी इलाके जेरे आब आएंगे। दरियाए सिंध के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब की तबाहकारियों से बेखबर जरिए इंतजामिया अभी तक मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए इकदाम करने में नाकाम रही है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे वजीउल्लाह नियाजी से। जी वजीउल्लाह नियाजी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त मौजूद है हम केपी के और पंजाब को मिलाने वाले पुल पर, जहां इस वक्त 3.5 लाख क्यूसिक सैलाब की रेला यहां से गुजर रहा है, जिस वजह से आसपास के जो निशेबी इलाके हैं उसे रिहा आ चुके हैं और मुमकिन जो बारिशें हैं मानसून का सिलसिला है इसके बाद ये मजीद इम्कान है कि ये बढ़ सकता है और बढ़ने की सूरत में यहाँ जो आसपास की आबादियां हैं वो जेर आब आ सकती हैं और इससे जानी और माली नुकसान हो सकता है। डीसी बखर से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना था कि 5 लाख का जो सैलाबी रेला है वो यहाँ से गुजर सकता है, इस इंतजाम की सूरत में जो आसपास की आबादियां हैं और खड़ी फसलें हैं उनको शदीद नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि सैलाब की मुमकिन आमद के हवाले से जहाँ डीसी बखर की तरफ से सिटी हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम यहाँ देखने में नहीं आए हैं, ना कोई रिलीफ कैंप किए गए हैं। जी की सूरत हाल तो आपने जानी, आगे बढ़कर बात करते हैं।